रिजल्ट प्रकाश पाइला ओडिशा सिविल सर्विस रिजल्ट ओडिशा सिविल सर्विस रिजल्ट 2020 प्रकाशित होई एथिरे उत्तीर्ण होईछंती मोट 392 जण परीक्षार्थी प्रथम तीनटी स्थान रे अछंती छात्री सेहि भली 392 परीक्षार्थी को मध्यरु 148 जण छात्री अछंती तेजस्विनी बेहरा होईछंती ओएस टॉपर शुभंकरी सुदेशना दास द्वितीय स्थान रे थिबा बेले तृतीय स्थान रे अनन्या सृष्टि शतपथी अछंती ए संपर्क रे ट्वीट करी सूचना देइछंती OPSC अध्यक्ष वर्तमान बड़ खबर जहाँ सूचना आसी पहुंचुची प्रकाश पाई OCS रिजल्ट ओडिशा सिविल सर्विस रिजल्ट प्रकाशित होई सिविल सर्विस रिजल्ट 2020 प्रकाशित उत्तीर्ण होती मोट 392 परीक्षार्थी प्रथम तीनटी स्थान रे अछंती छात्री 392 परीक्षार्थी मध्यरु मोट 148 जण छात्री अछंती अर्थात चलित वर्ष 392 परीक्षार्थी उत्तीर्ण होती OCS परीक्षाफल प्रकाश पाई प्रथम तीनटी स्थान अक्तिर कर छात्री 148 जण मध्य छात्री उत्तीर्ण होती अर्थात 392 मध्य 148 जण छात्री रही तेजस्विनी बेहरा होती ओएस टॉपर ए संपर्क में अधिक सूचना आम सहित जोड़ करस्पोंडेंट दीपक सामल क्षमा करेंगे आम स्पेशल करस्पोंडेंट नवेश कुमार महांती आम सहित जोड़ नवेश सूचना कौन अच्छी वर्तमान फलाफल नहीं देखो 2020 मसीहार जो परीक्षा बही ओएस परीक्षा ओडिशा सिविल सर्विस कमिशन यही परीक्षा को कंडक्ट कर जो परीक्षा की गत 19/9/2022 मध्यरे अनुष्ठित होता तार परीक्षाफल एवं प्रकाश पाई एने की ट्वीट कर सूचना देखिए ओपीएससी अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती महंती ट्विटर हैंडल से गोटे रिजल्ट प्रकाश कर उल्लेख कर 392 जन जो रही कैंडिडेट छात्र छात्री से कृतकार्य होती जदि आम टॉप कर छात्र छात्री मानक तालिका कथा कह ते प्रथम तीनोटी स्थान रे छात्री अच्छा प्रथम स्थान रे तपस्विनी बेहरा अच्छा द्वितीय स्थान रे अच्छा शुभंकरी सुदेशना दास तृतीय स्थान रे अनन्या सृष्टि शतपथी तीनोटी स्थान 1, 2, 3 महिला मान द्वारा ही कब्जा कर बाकी एथिरे अन्य माने पुरुष मान अछंती तेबे एई कैंडिडेट मानकर ना को सुपारिश करा जाइछि खूब शीघ्र राज्य सरकार गोटे नोटिफिकेशन जारी करिवे एवं एमानकु तालीम दियाजिबो तापरे एमाने राज्य सरकारकर जो रहिछि विभिन्न विभाग से विभाग रे कार्यरत हेबे एवं नियते बे गोटे बहुत बड़ पदवी कहिबा फिल करबा जाउछि कारण 392 अर्थात 400 ओएस पदवी जहाँकि खाली थिला राज्य सरकारकर से पदवी पूरण हेबो तेणु प्रशासनिक व्यवस्था रे टिके आम कहवा स्पीड अप हम व्यवस्था गुड़िक कारण जो जो जगार ओएस मानक आवश्यकता था अधिकारी आवश्यकता था सब आवश्यकता एवं पूरण होने कहीपर पाखापाखि 6 मास मधे एम विभिन्न जगार तालीम पर चाकरी प्रदान राज्य सरकार करेंगे तेणु प्रशासनिक व्यवस्था आउ टे सुधार आसो एम जॉइनिंग आम कही विधिवत भाव में पर्यटन से सूचना मिलजर प्रमाणपत्र पाइबे से नहीं ओपीएससी पक्ष कह कि देखो ओपीएस पक्षर स्पष्ट भाव उल्लेख करा जाई छी जे जो तांकर रही छी ओपीएस रो वेबसाइट से ओपीएस वेबसाइट को जाई कि माने जो तांकर स्वतंत्र भाव मिली छी लॉगिन पासवर्ड नंबर से पासवर्ड नंबर दे कि कैंडिडेट जानी पारिबे कारण समस्त कैंडिडेट कर तथ्य तो ओपीएस दे देला किंतु प्रत्येकटी कैंडिडेट को कोन कोन मेसेज आछी ता से कैंडिडेट जणक जते बेले तांकर लॉगिन पासवर्ड यूजर नेम दे से अकाउंट को जिबे सेठी तांकर सबिशेष सूचना मिलतिबो किंतु जहां अनुमान करा जाउ छी पाखापाखि 4-6 मास मधे तालीम कार्य शेष शेष चाकरी थैथान करा चाकरी प्रदान राज्य सरकार करेंगे तेणु वास्तविक गोटे बहुत बड़ कहवा जे शून्य स्थान सृष्टि होता राज्य सरकार प्रशासनिक व्यवस्था ओपीएससी परीक्षा फल के बाहर से आशार अनेक छात्र छात्री थे और सरकार सरकार भैकेंट पोस्ट गुड़िक फिलअप होगा जाए सरकारी तंत्र एवं पूर्व अपेक्षा बहुत मजबूत हाँ कारण पाखापाखि 400 जन ओएस अधिकारी एवं नुआ करी ओडिशा सरकार रे जोग देबाक जाउछ ओके नवेश अन्यपटे जे रैंक 5 पाइचंती देवव्रत महाराणा आम सहित जोडुचंती देवव्रत बाबू आपनकु स्वागत करूची प्रथमे तो अभिनंदन एवं अनेक अनेक शुभेच्छा ए खबर आपन केते बेले सुनिले धन्यवाद सर ए विषय रे मु ए गत 30 मिनिट तळे सुनथिली प्रथम प्रतिक्रिया कोन थिला आपनकर प्रथम अनुभव कि भली थिला वर्णन करिवे निश्चय भाव बहुत भल था आशा करी जे गत थर मु मो 38 रैंक थिला तो बर्तन ओडिशा रेवेन्यू सर्विस तो आशा थिला जे एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आसो तो चेस्टा करी
ତ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲୁ ଯେ ସିଙ୍ଗଲ ଡିଜିଟ୍ରେ କୌଣସି ରାଙ୍କ ଆସିବ କହିକି ବିଲକୁଲ କେତେ ନମ୍ବର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆମ ତୃତୀୟ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ଥିଲା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ତ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗରେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବା ପ୍ରିପାରେସନ ହେବା ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇବା ଏ ତ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ କୁହାଯିବ କେମିତି ସମୟ ଦେଉଥିଲେ ଆପଣ ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାକିରିରେ ଥିଲି ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ଥିଲା ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଥରିଟି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ସେଇଠି ଥିଲା ବେଳକୁ ହିଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ତ ଜବ୍ ସହିତ ପ୍ରିପାରେସନ ଟାଇମ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ପଡେ ତା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଟିକେ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ ରଖିଥିଲି କି ଯୋଉ ସମୟରେ ମୋତେ ସମୟ ମିଳେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଦିଏ ଆଉ ଯୋଉ କହିଲେ କି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପଢ଼ିବାର ଅଛି ଯଦି ତ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡେ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଥିଲା ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଦେଖେ କି ମୋ ପାଖରେ ଯଦି ସମୟ କମ୍ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ମାନେ କୋଉ ମାନେ ନୂଆ ବାଟରେ ପଢିପାରିବି କିମ୍ବା କେମିତି ଇନୋଭେଟିଭ ୱେରେ ଦେଖିପାରିବି ତାକି କମ୍ ସମୟରେ ଜିନିଷଟା ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେଇଯିବ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ କେବେଠାରୁ ରଖିଥିଲେ ଚାକିରି ପୂର୍ବରୁ ନା ଚାକିରି କଲା ପରେ ପରେ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଚାକିରି କଲା ପରେ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଚାକିରି ଗୋଟେ କରୁଥିଲି ତ ସେଇଠି ମାନେ ଜେନେରାଲି କିଛି ବି ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କୌଣସି ସ୍କୋପ ନଥିଲା କି ଆମେ କୌଣସି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରିଲେଟେଡ୍ କାମ ଥିଲା ତ ଆମେ କେବଳ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ କିମ୍ବା ଅପର ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ରିଚ୍ କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରୁଥିଲୁ ତ ସେଇଠି କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ସର୍ଭିସର ମାନେ ସୁଯୋଗ ନଥିଲା ତ ସେଇଠୁ କୋଉଠି ନା କୌଣସି ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆସିଥିଲା ଯେ ନାଇଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଏଇ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବି ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମ ଇଚ୍ଛା ଆସିଥିଲା ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବି ଥିଲା ଯଦି ମୁଁ କରିବି ଦିନେ ମେ ବି ହେଇଯାଇପାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ବିଲକୁଲ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବବ୍ରତ ବାବୁ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣ ଯେଉଁ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ ଦେଶ ଗଠନରେ ରାଜ୍ୟ ଗଠନରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିବ ଏ ତ ଗୋଟେ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ